अगर आपकी जेब में से अभी 10 का नोट गिर जाए या 10 का सिक्का गिर जाए या 5 का सिक्का गिर जाए तो क्या आप उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे, मुझे कमेंट करके बताना कि आप उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे। केवल 5 रुपए का सिक्का गिर जाए और आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुपए आपके गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई सिक्का 10 का 5 का अगर गिर जाए तो आप उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे? 100% आप उसे जरूर उठाओगे। अगर वो खड़ा होकर के अगर चल के अगर वो किसी फ्रिज के नीचे घुस गया, अगर बेड के नीचे घुस गया, अगर गाड़ी के नीचे घुस गया, तब भी आप उसे हाथ डाल के उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी इनकम होती है हमारी, जो भी इनकम होती है, कितनी भी इनकम हो, कम हो ज्यादा हो, वो हम सब लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी होती है। पैसा सब लोगों को प्यारा होता है, पैसा हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी पैसे के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इसी पैसे के लिए तो हम इस ऑन पैसिव के लिए अंदर आए हैं, और इस ऑन पैसिव के अंदर आने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे हमारे विजन है, हमारे मिशन है, उनको भी हमें पूरा करना है। लेकिन एक बात और भी सच है कि पैसे के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं तो आप उसकी पैसे से ही हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई शादी में है, कुछ किसी भी टाइप से है, तो बहुत सारी जो 99% जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सिर्फ पैसे को लेकर रहती हैं। जी हाँ, पैसे की वजह से ही बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बहुत सारे रिश्ते बन भी जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपने चैनल, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम बात करेंगे पे स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? इसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। पे स्ट्रक्चर किस टाइप का पे स्ट्रक्चर होने वाला है अपना इस ऑन पैसे के अंदर? क्योंकि किसी लोगों ने 10 लोगों की टीम बनाई है, 50 लोगों की टीम बनाई है, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 10000 लोगों की, सभी ने कुछ ना कुछ टीम बनाई है। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनकी जीरो टीम है, उनको भी इनकम आएगी। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कंपनी अपने इनोवेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हर एक व्यक्ति के पास ट्रैफिक लेके आएगी। जितने भी हमारे लगभग 14.5 लाख से ऊपर फाउंडर हैं, ये इसका मतलब ये हुआ कि 14.5 लाख से ऊपर हमारी लिंक्स बन चुकी हैं और ये लिंक्स पूरी दुनिया में वायरल होने वाली हैं। तो जिस कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो रीसेलर हो, चाहे वो कस्टमर हो, वो किसी ना किसी लिंक के माध्यम से ही आएगा। सारी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको लोड करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है, तब भी आपको कोई ना कोई लिंक पे क्लिक करके ही वहां पे जाना पड़ता है, तभी आप उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो वो कंपनी की लिंक होती है या किसी और की लिंक होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी लिंक्स होंगी वो हमारी होंगी, उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू बनेगा। अभी जो पे स्ट्रक्चर होगा, तो पे स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको एक बात खुल के बता दूं कि हमारा जो प्लान है वो MLM प्लान नहीं है। हमारा जो प्लान है बहुत ही यूनिक प्लान होने वाला है, और ऐसा प्लान होने वाला है जो कि दुनिया के अंदर शायद किसी भी कंपनी के पास नहीं होगा। इतनी ज्यादा इनकम, इतनी ज्यादा इस पे स्ट्रक्चर के अंदर हम सब लोगों को इनकम मिलने वाली है जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि मनी मेकिंग कंपनी और वैल्यू वेस्ट कंपनी, इन दोनों में फर्क क्या होता है? मनी मेकिंग कंपनी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेट करती हैं। इसकी टोपी उसके सर, इससे पैसा लिया इसको दे दिया, इस 10 लोगों से पैसा लिया एक लोगों को दे दिया, तो वो होती है मनी मेकिंग कंपनी जो मनी रोटेशन का काम करती है। पहली चीज, अपनी कंपनी मनी रोटेशन वाली कंपनी नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो है वैल्यू वेस्ट कंपनी। जब वैल्यू वेस्ट कंपनी के साथ हम काम करते हैं तो कंपनी की तो वैल्यू बढ़ती बढ़ती है, लेकिन उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो फाउंडर्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो कस्टमर हों, कुछ भी हो, तो हर एक व्यक्ति की यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होती है। तो हम हैं वैल्यू वेस्ट कंपनी, इसलिए हमारा जो पे स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा कि सबका भला हो। जी हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका भला, तो इसमें हम सबका भला। पे स्ट्रक्चर को खुल करके आने वाले टाइम में जो हमारे एस सर हैं वो बताएंगे कि पे स्ट्रक्चर का किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का पे स्ट्रक्चर नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीज, पे स्ट्रक्चर हमारा जो मोनोपोली टाइप का, जो बहुत सारी कंपनियां चलाती हैं मोनोपोली टाइप का पे स्ट्रक्चर चलाती हैं, वो उस टाइप का हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। मोनोपोली टाइप का यानी कि बस 2-4 दिन के लिए आए, 2-4 महीनों के लिए आए, 2-4 साल के लिए आए, उसके बाद निकल लिए। इसके बाद दूसरा, पे स्ट्रक्चर फाउंडर के बारे में सोचकर बनाया गया है। जी हाँ, पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो फाउंडर के बारे में सोच करके बनाया गया है, और बात सही भी है क्योंकि हम सब लोग फाउंडर हैं और फाउंडर
के बारे में अगर एसर अगर नहीं सोचेंगे, कंपनी अगर उनके बारे में नहीं सोचेगी, अगर उनको कोई इनकम नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए उनको किसी को भी नेगेटिव नहीं करना है, सभी को साथ लेके चलना है, जितने भी फाउंडर्स हैं। इसमें केवल एक व्यक्ति इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें हर एक फाउंडर कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए जो पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, वो पे स्ट्रक्चर एक फाउंडर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, और इसके साथ साथ रीसेलर और कस्टमर को भी ध्यान में रखा जाएगा। जी हाँ, जो पे स्ट्रक्चर है उनको भी आने वाले टाइम में फायदा होगा, रीसेलर को भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फायदा होगा, सब लोगों को फायदा होने वाला है इस कंपनी से। इसलिए इस टाइप का पे स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। प्राइवेट टाइप का कोई पे स्ट्रक्चर नहीं होगा कि बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट इस टाइप का बना लेती हैं, इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा भी है, अभी एसर ने खुल के नहीं बताया है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता देता हूं कि हमारा जो पे स्ट्रक्चर है A to Z, चाहे वो पहला फाउंडर हो, चाहे वो लास्ट का फाउंडर हो, चाहे वो लास्ट मूवमेंट में जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो फाउंडर हो, कोई भी हो, सभी को इनकम यहाँ पे आने वाली है। A to Z सभी को इनकम यहाँ पे आने वाली है। पे स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों को इनकम पहुंचे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पास ज्यादा पहुंचेगी तो किसी के पास कम पहुंचेगी, किसी के पास वो इनकम एक महीने में आ जाएगी तो वही इनकम किसी के पास एक साल में आ जाएगी, एक छह महीने में आ जाएगी, दो साल में आ जाएगी, बस इतना फर्क हो सकता है। लेकिन किसी का भी बटुआ खाली नहीं जाना चाहिए, किसी का भी जो पॉकेट है वो खाली नहीं जाना चाहिए, सभी के वॉलेट के अंदर पैसा आना चाहिए। तो जो पे स्ट्रक्चर है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लुकिंग में बहुत अच्छा होगा हमारा, और ऐसा पे स्ट्रक्चर एसर ने बताया है कि शायद किसी भी कंपनी का पे स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस यही तो हम चाहते हैं कि पे स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, बस यूनिक हो, मजेदार हो, सब लोगों को इनकम आने वाला पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। बस यही हम लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस ऑन पैसिव के अंदर हैं तो बस आप बने रहिए। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं, आपको हमारी वीडियो सुनकर के, हमारी बातों को सुनकर के, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या हमारी जो अपडेट होती है उसको सुनकर के कैसा लगता है हमें, कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट और लाइक हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल, एंड वी आर इन इट टू विन इट।